वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हमने अगले वीडियो में चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन पढ़ा था। आज हम चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। उचित स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। क्या करना है आपको? उचित स्थान पर मात्रा लगानी है। यहाँ पे देखिए, पहला लिखा है ई की मात्रा लगाइए। बड़ी वाली ई है, बड़ी वाली ई की मात्रा लगानी है। बड़ी वाली ई की मात्रा कौन सी है? दीर्घ ई। ओके, तो हम यहाँ पे दीर्घ ई लगाकर वर्ड को पूरे करेंगे। सबसे पहला वर्ड है टी त ल। तो हमें यहाँ ल के बाद ब्लैंक है, उसमें हमें दीर्घ ई लगानी है ऐसे, यानी वर्ड हो जाएगा टी त ली। ओके, ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा है नान नान, उसके बाद ब्लैंक है। हम यहाँ पे क्या करना है? वर्ड के बाद हम यहाँ पे दीर्घ ही लगाएंगे, यानी मात्रा लगाएंगे बड़ी वाली की, यानी वर्ड हो जाएगा नानी। उसके बाद है ली च, यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे वापिस बड़ी वाली ई की मात्रा लगाएंगे, यानी दीर्घ ई, लीची। ओके, आगे है छोटी वाली ई की मात्रा लगाइए। हमें क्या करना है अभी? यहाँ पे बड़ी वाली ई की मात्रा लगाई थी दीर्घ ई, अब हम ह्रस्व ई लगाएंगे, यानी छोटी वाली ई की मात्रा। यहाँ पे देखो, म ठा ई, मठाई आता नहीं है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? छोटी वाली ई की मात्रा, यानी ह्रस्व ई, यानी वर्ड हो जाएगा मीठा ई। यहाँ पे देखो, ना र यल, हम यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे हम र के आगे छोटी वाली ई की मात्रा लगाएंगे, वर्ड हो जाएगा नारी य ल। यहाँ पे देखिए, ब्लैंक है, हर न, छोटी वाली ई की मात्रा ह्रस्व ई लगाएंगे, वर्ड हो जाएगा हीर न। ओके, ऐसे ही आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी शब्द लिखो। क्या करना है हमें? यहाँ पे जो हिंदी वर्ड है उसके हमें यहाँ पे इंग्लिश स्पेलिंग लिखने है। पहला वर्ड है पत्र, पत्र यानी लेटर। हम लिखेंगे एल ई डबल टी ई आर, लेटर का स्पेलिंग लिखेंगे एल ई डबल टी ई आर। दूसरा है साइकिल, साइकिल यानी बाइसिकल। बाइसिकल का स्पेलिंग आता है बी आई सी वाई सी एल ई, बाइसिकल। उसके बाद है मीठा, मीठा यानी स्वीट। स्वीट का स्पेलिंग आएगा एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। चौथा है पानी, पानी यानी वाटर। वाटर का स्पेलिंग है डब्ल्यू ए टी ई आर। उसके बाद है विमान, विमान यानी प्लेन। प्लेन का स्पेलिंग पी एल ए एन ई, प्लेन। ओके, चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। सही शब्द पर गोला लगा ओ। क्या करना है यहाँ पे? एक ही वर्ड बार बार लिखा है, लेकिन उनमें से दो वर्ड जो है वो गलत है, एक वर्ड ही सही है। तो हमें जो सही है उसके ऊपर गोला लगाना है। यहाँ पे देखो, ची डी या, ची ड या के चडी या, कौन सा वर्ड सही है? ये फर्स्ट वाला, ची डी या। तो हम ये चिड़िया है उसके ऊपर हम गोला लगाएंगे। ओके, ऐसे करके हमें गोला लगाना है। ओके, दूसरा है डाकिया, डकिया डाकया, कौन सा वर्ड सही है? डाकिया। तो हम यहाँ पे ऐसे गोला लगाएंगे, जो सही वर्ड है उसके ऊपर हमें गोला लगाना है। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। एक या दो शब्द में उत्तर लिखो। क्या करना है हमें? एक या दो शब्द में आंसर लिखना है।
पहला क्वेश्चन है, किसका पत्र आया था? गरिमा का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गरिमा। उसके बाद है, मालिका क्या नाम था? मालिका नाम था वीरा। तो हम लिखेंगे वीरा, मालिका नाम वीरा था। साइकिल पर कौन आया? साइकिल पर कौन आता है? डाकिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाकिया। ओके, डाकिया। उसके बगीचा कैसा था? बगीचा कैसा था? हरा भरा था और विशाल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हरा भरा और विशाल, विशाल, हरा भरा और बहुत बड़ा, बहुत विशाल था। ओके, उसके बाद ही निराली क्या खाती थी? निराली क्या खाती थी? आम, पपीता, ककड़ी और नाशपाती। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे निराली आम, पपीता, ककड़ी और नाशपाती। निराली क्या खाती थी? आम, पपीता, ककड़ी और नाशपाती। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। क्या करना है? यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, तो हमें यहाँ से जो वर्ड है वो ढूंढना है और यहाँ पे फिल करना है। वीरा की एक, यहाँ पे ब्लैंक है, थी। वीरा की एक बिटिया थी। हम यहाँ पे लिखेंगे बी टी या। वीरा की एक बिटिया थी, मीठा मीठा खा। यहाँ पे लिखा है खा, मीठा मीठा पपीता खा, पपीता, पतली थी, ककड़ी पतली थी। यहाँ पे हम लिखेंगे ककड़ी, ककड़ी पतली थी। ओके, समझ में आया? यहाँ पे जो वर्ड है वो उल्टे फुलटे है, उसको हमें सही फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। चित्रों का उचित शब्द से मिलान करो। क्या करना है हमें? पिक्चर देखने हैं और यहाँ पे वर्ड है उसको पढ़ना है, शब्द है उसको पढ़ना है, उसके बाद उसके साथ वर्ड को ज्वाइन करना है। पहला देखो, यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको? सिटी, चिड़िया, विंडो है और गिटार है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम सौथी पहला देखो, यहाँ पे है चिड़िया। ओके, चिड़िया, चिड़िया यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये जो वर्ड है उसको हम चिड़िया के साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे। ओके, उसके बाद है सिटी, तो यहाँ पे सिटी भी दिखाई दे रही है, तो सिटी को हम इस वर्ड के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है खिड़की, यहाँ पे खिड़की दिखाई दे रही है, तो हम ये वर्ड को इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करेंगे। और उसके बाद है गिटार, यहाँ पे गिटार भी दिखाई दे रहा है, तो हम ये गिटार वर्ड को साथ ये पिक्चर को ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ओके, मजा आया ना बच्चों? ऐसे ही हमें चैप्टर नंबर 3 और 4 का रिवीजन करना है। ओके,
आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।